जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही कमेंट्स में आप ओम नमः शिवाय लिख दें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बड़ा आदमी बनने वाले हो या बड़ा आदमी बनना है, या बड़ा आदमी कैसे बने, या बड़ा आदमी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें वो सफलता क्यों नहीं मिल पा रही। इन विषयों पर बात होगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और बड़ा आदमी बनने की जो चीज बातें हैं वो भी आप समझ जाएंगे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि बड़ा आदमी की जो एक थ्योरी है, थ्योरी कहने का मतलब ये है कि हम आम लोगों में एक बात ऐसी बनी हुई है कि बड़ा घर होना, बड़ी गाड़ी होना, बड़ा ओहदा होना, ये सब एक बड़े आदमी की पहचान है। और बड़ा आदमी नहीं, इसमें मतलब बड़ा महिला भी शब्द का उपयोग करूंगा, मतलब दोनों के लिए है कि सिर्फ ये लिखा जरूर है बड़ा आदमी, लेकिन बड़ा बड़ा स्त्री भी, मतलब एक स्त्री भी जो है वो भी बड़ा आदमी बन सकती है, एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकती है, मेरा यही उद्देश्य। तो सबसे पहली और मुख्य बात है कि जो भी व्यक्ति एक मुकाम पर होता है, बौद्धिक स्तर पर, चिंतन स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, या किसी भी स्तर पर एक मुकाम पर होता है, वो ईश्वर का उतना बड़ा भक्त होता है। इस बात को यहां से गंभीरता से समझे कि जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है ना, वो ईश्वर का उतना बड़ा भक्त होता है, और वो ईश्वर से कृपा मांगता है, ना कि कोई चीज मांगता है कि ये हो जाए वो हो जाए, ईश्वर की कृपा होती है और उसे वो चीजें स्वतः ही मिलती जाती है। और एक और मुख्य बात यह है कि जिनकी आत्मा जो बहुत हम्बल होते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं इनका ईश्वर खुद चयन कर लेता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बड़ा आदमी बनने के लिए अपने कर्म हमेशा करते रहें, अपने मन में किसी प्रकार का जाने अनजाने में भी कोई छल कपट ना आने दे, और केवल उस ईश्वर का जप कंटिन्यू करते रहें, जो हो रहा है उसकी इच्छा मानकर काम ईमानदारी के साथ करते रहें, उसका जो फल है वो आप सोच भी नहीं सकते, और अपनी सोच समझ सबसे परे, क्योंकि यहां पर चयन जन्म तो हर व्यक्ति लेता है, लेकिन उसका किसी विषय पर बड़ा काम कराने के लिए चयन ईश्वर करता है। तो हम वो पात्र बने, हम हमारे कर्म पूरी ईमानदारी के साथ करें, और मन के अंदर जो एक चीज होती है ना, जो होता है संभाव, संभाव से सीधा सा कहने का अर्थ है कि किसी भी प्रकार से कोई द्वेष ना हो, किसी प्रकार से कोई छल कपट ना हो, बस यही चीज। अब मानव है, आ जाता है, हो जाता है, 19-20 हो जाता है, मैं समझता हूँ इस बात, लेकिन हम हमारी ओर से पूरी कोशिश करें, यही तप है कलयुग में, यही जप है, और कलयुग में एक व्यवस्थित जीवन जीना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए ईश्वर का जप करें, नाम लें, अपने पूरा जो भी कर्म है, कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं, वो करते रहें, ईश्वर आपका चयन करेंगे और आप जरूर बड़ा आदमी बनेंगे। जय श्री महाकाल।